एकोंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद सब कट तिसके ओ करने हारो सदा सदा तिसको नमस्कारो प्रभ की उस्तत करो दिन रात तिसै त्यावो सास गिरास सब कछ वरतै तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेल आप करने हारो दूसर कौन कहे बिचारो जिसनो कृपा करै तिसे अपन नाम दे बड़ पागी नानक जन से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे जिग्यासु दर्शक सजनों, आप सब दे सहयोग अते सतगुरां दियां पार बख्शां द्वारा श्री सुखमनी साहब जी की लड़ीवार विचार चल रही है। 13वीं अष्टपदी की विचार चल रही है। अज असी आखरे पद की विचार कर रहे हाँ। इस पूरी अष्टपद विच सतगुरां ने संत के निंदक दी विचार दसी है। असाध पुरश मनमुख जिहड़ा के निंदिया चुगली दे रस्ते ते टुर पिया ते उस चंगे सच्चे सुच्चे पुरशां दा विरोध करना ही उन्हें अपने जीवन दा करम मन लिया है। अखीर उसनू खुआरी ही सहनी पैंदी है, परेशानी उठानी पैंदी है, लोक परलोक विच उहदा मूँह काला हुंदा है। तो सारा उपदेश करन दा भाव सतगुरां दा इहो है कि सानू ऐसे निंदिया चुगली दे रस्ते तों बचना है। आखिरी पद भी सतगुरु उस वाहिगुरु अकाल पुरख दीयां बख्शां रहमतां दी गल कर रहे हैं कि कोई बंदा किसी भी हालत विच कोई भी वड्डे तों वड्डा पापी गुनाहगार अपराधी भी जे गुरु दी शरण विच आ गया तो सतगुरु इतने बख्शिंद हन कि उहदे औगण दूर करके उस नूं भी निर्मल कर देंदे हन, उहदा भी पार उतारा हो जांदा है। तो ऐसी भावना ऐसे भाव इस शब्द इस आखिरी पद विच सतगुरु प्रगट कर रहे हैं। सब कट तिसके ओ करने हारो सदा सदा तिसको नमस्कारो। सारियां विच सारियां दे हिरदे विच उस वाहिगुरु दी जोत है ते हिरदा उस वाहिगुरु अकाल पुरख दा ही है। साडा ओही सारा सृष्टि दा सृजनहार है, जीवां दा सृजनहार है, साडा सृजनहार है, करण कराउण हार ओ आप ही है। तो जिस मालिक ने सानू इह जीवन बख्शिया ते जीवन दी किरत बख्शी उसे नूं नमस्कार करना बनता है। भाव उस मालिक नूं छड़ के होर किसे नूं नमस्कार करना या होर किसे नूं अपना इष्ट मनना योग नहीं। सोलठ महला पंजवां च गुरु अर्जुन देव पातशाह इस विचार नूं होर स्पष्ट कर रहे हन। सतगुरु फरमाउंदे हन, सगल बनस्पत मैं बै संतर सगल दूध मैं किया ऊच नीच मैं जो समाणी कट कट माधो जिया। जिस तरह सारी ही वनस्पति दे विच अग है, जिस तरह के सारिया ही दुधां विच घिओ है, दिसदा नहीं पावें बाहरों, इस तरह उस परमेश्वर की जोत साढ़े सारे ही जीवां विच समाई हुई है। वह साढ़े अंतर आत्मा विच कट कट विच वसया होया है। संतो कट कट रहो समाहे ओ पूरन पूर रहो सर्ब में जल थल रमैया आयो। हे संत पुरखो, हे जग्यासु सजनो, वह वाहिगुरु तो घट घट विच हरेक हिरदे विच समाया होया है। वह तो सारे जगह परिपूर्ण है, सब जगह उहदा नूर उहदी जोत है। जल विच भी थल विच भी वह रमिया होया मालक हर थां ते है। तो साढ़े हिरदे का भी मालक वह है। तो जे किते असी उजड़ पै गए, गलत रस्ते ते तुर पे, ते फिर जे सानू किते मालक की बख्शिश होई, अकल आई, समझ आई, तो असी फिर दोबारा उहदे चरण जाके पकड़ ले, तो इतना बख्शिंद है कि सानू माफ़ करके अपने नाल जोड़ लैंदा है।
प्रभ की उस्तत करो दिन रात, तिसै ते आवो सास गिरास। पर ओ जो उहदी शरण लैणी है, शरण लैण दा तरीका सतगुरु दस रहे हन कि हर वेले दिन रात उस परमेश्वर दी वडियाई दे रस्ते ते तुर पओ, हर वेले सास गिरास उसनूं याद करो, उहदा सिमरन करो। बिलावल राग विच गुरु अर्जन गुरु नानक पातशाह दा फरमान है कि उस मालक नूं छड के होर किसे नूं अपना इष्ट नहीं मनना, क्योंकि सारी सृष्टि का मालक वो इकला आप है। पातशाह फरमाते हैं, तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तेरी कौन वडाई, जो तू दे सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कह न जाई। हे वाहिगुरु, तू तो बड़ा वड्डा बादशाह है, शहनशाह है, ते मैं तैनूं मियाँ मियाँ भाव घर दा वडेरा जिहड़ा हुंदा उसनूं मियाँ कहा जांदा, मियाँ मियाँ कही जांदा, इहदे नाल तेरी कोई वडियाई नहीं, पर मैनूं जितनी तूं अकल दित्ती है मैं उस अनुसार तेरे गुण गा सकदा हां। मैनूं सतगुरु बख्शिश करो, तेरे गुण गावां दे बुझाई, जैसे सच मैं रहूं रजाई रहाओ। हे मालक, मैनूं समझ दे कि मैं तेरे गुण गावां, ते जदों मैं तेरे गुण गाण दे रस्ते ते तुर पिया फिर मैनू सच दी प्रतीति हो जाएगी, ते सच विच मेरा मन फिर रच जाएगा, मैं सच अपने जीवन विच धारण कर लवांगा। तो इस तरह नाल उस वाहिगुरु अकाल पुरख का जिहड़ा रस्ता है उसनू अपनाना है। फिर अगे कहिंदे ने महाराज, कीता क्या सलाही है, सब देखै सोई, जिन किया सो मन वसै, मैं वरना कोई। सो साचा सलाही है, साची पत होई। कई बारी असी भटक जाने हाँ दूजे की रीस करके, जो संसार दियां चीज़ां हन, पदार्थ हन, मैटर है, उसकी पूजा शुरू कर देंगे। गुरु महाराज की ऐसी बख्शिश है सानू, जो भी वट एवर इज क्रिएटेड वो तो रब का बनाया होया, उसकी पूजा करन दा कोई लाभ नहीं, असी उस परमेश्वर की पूजा करिए, क्योंकि जिहड़ा कीता होया वट एवर इज क्रिएटेड, जो वाहिगुरु ने बना दिता और जिसनों आप उसने बनाया आप उन्हें खत्म ही कर देना है, इस करके उहदी पूजा तो हट के जिन किया सो मन वसै, जिसने संसार पैदा किया वह साडे मन विच वसे, होर किसे नूं अपना इष्ट मनना ये योग नहीं है। तो सो साचा सलाही है, साची पत होई। जो सच्चे परमेश्वर का सिमरन करना शुरू कर देवांगे तो सानू सच्ची इज्जत सच्ची वडियाई जिंदगी प्राप्त होएगी। सो इस करके उसकी उस्तत, उहदियां वडियाइयां, उहदा सिमरन, उहदा नाम, इहो साडे औगणां नूं खत्म कर सकता है, साडी हुण तक दी कीती होई बुराई पापां दी मैल नूं धो सकता है, होर कोई साधन नहीं है। सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करै तैसा कोठिया। हुण तक दी जितनी रचना होई वह सब परमेश्वर दे हुक्म विच होई, उहदी कीती होई होई, हुण गां वी उसे दी रचना होनी है, जो कुछ भी हो रहा है सब उसका कीता होया है, जिस तरह का वह किसी बनाना चाहता उस तरह का कोई बन जाता है। इस करके वो मालक जो करता पुरख है, जो सारे सृष्टि सारे ब्रह्मंड नूं साजन वाला है और साडे हिरदे विच समाया होया है, उसे दा सिमरन उसे दे गुण गाने इसे नाल जिंदगी समझ जाए समझ सकती है। भाई साहब भाई गुरदास जी अपनी 18वीं वार दी 10वीं पौड़ी विच उस कादर करतार दे सिमरन दा उपदेश दे रहे हैं। भाई साहब फरमाउंदे हन, परवतगार सलाई है, सिरठ उपाई रंग बिरंगी, राजक रिजक सबाहिंदा, सबना दात करे अणमंगी। परवतगार जिन्हें सारी सृष्टि नूं पैदा किया और सारी सृष्टि की पालना कर रहा है उसे नूं सलाना बनता है, जिन्हें रंग बिरंगा संसार पैदा कर दिता तो वह सब नूं रिजक दे रहा है और अणमंगिया भी दे रहा है, हरेक जीव नूं हरेक प्राणी नूं हर समय हर पल रोजी पहुँचा रहा है।
ਕਿਸੇ ਜਵੇ ਹਾਨਾ ਹੈ ਕੋ ਦੁਬਦਾ ਅੰਦਰ ਮੰਦੀ ਚੰਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸਦਾ ਸਹਿ ਲੰਗੀ। ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਤਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਖੇਲ ਉਪਾਇਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਕਤ ਰੂਪ ਫਿਰੇ ਪਰਛੰਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਦੁਵੈਤ ਭਾਵ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਲੰਗੀ ਭਾਵ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਵਿੱਚ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਜੋਤ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦਾ, ਸਮਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ, ਬੁਰਾਈ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਗਣ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਏਗਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਪਗ ਜੀਵ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਵਰਤਿਆ ਜਿਸ ਕਾ ਕੀਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ ਤੋ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹਾਰ, ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਗਤ ਦਾ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਝ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਪੇੜ ਸਾਖ ਤੇਰੀ ਫੂਲੀ, ਤੂੰ ਸੋਖਮ ਹੋਆ ਸਥੂਲੀ, ਤੂੰ ਜਲ ਨਿਧ ਤੂੰ ਫੇਨ ਬੁੱਧ ਬੁਧਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਲੀਐ ਜੀਉ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਬਿਰਛ ਹੈ, ਪੇੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੂਖਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਉਸੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੂਖਮ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਅਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਲ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਬਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਬੁਲਬਲੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ, ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਹੈ ਉਸਦਾ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੁਰ ਰਿਹਾ ਸਰਬ ਠਾਏ ਅਮਾਰਾ ਖਸਮ ਸੋਏ, ਏਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਛੱਤ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ, ਸੱਚਾ ਸਵਾਮੀ ਹੀ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹੀ ਏਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਭਟਕ ਗਏ, ਵਿਛੜ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ, ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਨ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
जिसनो कृपा करै तिसे आपन नाम दे, बड़भागी नानक जन से। तो वाहिगुरु दे नाल जुड़न दा रस्ता दिखांदे आ, अखीर विच उहदी सर्वोत्तम बख्शिश दी गल सतगुरु दस रहे हन कि जदों असीं उहदे सिमरन उहदे नाम उहदे गुणा नाल जुड़ांगे फिर एक ऐसी अवस्था आएगी जिसनों कृपा करे वह साढ़े ते कृपा करेगा। सानू उम्मीद रखनी चाहिए है, आस रखनी चाहिए वह साढ़े ते कृपा करेगा। महाराज इस कृपा दृष्टि की गल भी बाणी विच कई थां ते बड़े विस्तार नाल दसदे हन। असी अपना फरियादां करी जानियां केसो केसो कूकी है क्यों सोई है आसार, रात दिवस कै कूकने कभू क सुनै पुकार। असी लगातार उस परमेश्वर अगे पुकारा करी जानियां ते दिन रात असी लगातार जे सच्चे दिलों उहदी पुकार करांगे तो वह जरूर साड़ी फरियाद सुनेगा। सो इस तरह नाल जिसनों कृपा करे जिहदे उत्ते बख्शिश हो गई उसनों अपने नाम की दात दे दिंदा है। नाम उहदा मूल गुण है, उहदी मूल जोत है, उहदी मूल शक्ति है। तो जदों गुण गा गा के साढ़े विच नाम का प्रवेश हो गया तो साढ़े विच उस डिवाइन पावर आ गई, फिर उस डिवाइन पावर नाल साढ़े सारे औगण खत्म हो सकते हैं तो असी परमेश्वर के रस्ते ते तुर के अपना जीवन सफल कर सकते हैं, असी वड्डियां भागां वाले हो सकते हैं। तो पातशाह इन्हां विचारां नूं तनासरी छंत मेरा चौथा गुरु रामदास पातशाह प्रगट कर रहे हैं। हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो, सतगुर मिलै सुभाए सहज गुण गाई है जियो। वाहिगुरु साढ़े ते बख्शिश करे असी नाम सिमरन दे रस्ते ते तुर पईए ते इस तरह की भावना साढ़े मन च होवे कि असी उस वाहिगुरु दे गुणा नू प्राप्त करना है, इस नू सुभाए क्या है, सुचा पाव उच्चा पाव साढ़े मन प्रगट होवे, सानू वाहिगुरु दे नाम की प्यास लगे, साचे नाम की लागे भूख, सानू भुख लगे उहदे नाम की, ते सहज गुण गाईए फिर असी सहजे ही उहदे गुणा नू गा के उहदे विच समा जावांगे। ऐसा रस्ता पातशाह दे रहे हन, बाणी आशावादी है। एक पासे सारी इस पदी विच निंदक दे दोख दसे हन, उहदा रिजल्ट दस्या है भी अखीर उहनूं परेशानी खुआरी सहणी पेगी, तो आखिरी पद विच सतगुरु रस्ता दिखा रहे हैं कि कोई बंदा कितना भी गुमराह हो गया पटक गया उहदे वास्ते भी गुरु दा रस्ता द्वार खुला है, वह आ जाए अपने आप नूं गुरु दे चरणा तो समर्पित कर देवे उहदा भी भला होना। रामकली महला चौथा विच गुरु रामदास पातशाह फरमाते हैं, जे वड भाग होवै वड भागी ता हर हर नाम ते आवै, नाम जपत नामे सुख पावै हर नामे नाम समावै। उस वाहिगुरु अकाल पुरख दी असी जोत हाँ, असी सारे उहदे कीते होए हाँ, वह साडा करता है ते साडे विच उहदी शक्ति है। जे गुरु बख्शिश करे सानू सुमत आवे असी गुरु की शरण विच पईए, असी गुरु तो उपदेश लै के उहदा नाम सिमरन करना शुरू कर दईए ते फिर ज्यों ज्यों असी नाम सिमरन करांगे नाम जपत नामे सुख पावे, उह नाम दे द्वारा सानू सुखां दी प्राप्ति होएगी, साडे मन विच सहज संतोख धीरज खिमा यह सारे उच्चे सुचे गुण आउणगे ते फिर अखीर ऐसी अवस्था आ जाएगी कि हर नामे नाम समावे, नाम दा ही रूप हो जाएगा मनुख, साडा हिरदा नाम दे विच पतीत जाएगा, असी परमेश्वर नाल इक मिक हो जावांगे। हीरा रतन जवाहिर माणक बो सागर भरपूर किया, जिस वड भाग होवै वड मस्तक तिन गुरमत कड कड लिया। नाम दी वड्याई नाम दी विशेषता दस रहे हैं पातशाह कि उच्चे सुचे गुणा दा खजाना है नाम, जिस तरह हीरे मोती जवाहर लाल हुंदे है इस तरह नाम रूपी सागर विच सारियां ही वस्तुआं हन, उच्चियां सुचियां जो गुणा दियां, गुणा दे खजाने, गुणा दे हीरे मोती जवाहर।
तो उस वाहिगुरु का नाम रूपी सागर जिहड़ा इन्हां रत्नां नाल भरपूर है, तो जिहड़ा भी उस रस्ते ते तुर पिया नाम सिमरन दे गुण गाण दे रस्ते ते जिस वर भाग होवे वड़मस्तक ते मत्थे उत्ते उहदे भाग जाग पे ते फिर तिन गुरमत कढ़ कढ़ लिया। फिर ओ गुरमत विचों गुरु की सिक्ख्या विचों गुरबाणी विचों गुरु ग्रंथ साहिब विचों नाम दे हीरे मोती चुन चुन के अपने जीवन नू शिंगार लैंदा है, अपने जीवन नू संवार लैंदा है। बहुत सारिया साखियां सिख इतिहास दियां कि कई बंदे भटक गए गुमराह हो गए, उन्हां दा जीवन बर्बादी दे किनारे ते पहुँच गया, पर कोई ऐसी घड़ी उन्हां दे जीवन च वापरी कि उन्हां नू कोई संगत की छोह लगी, किसी महापुरुष की छोह लगी, तो उन्हां दी काया कल्प हो गई, उन्हां विच चानण आ गया भी असी किधर जा रहे हैं, असी सच्चे रस्ते वल जाइए। तो जदों सच्चे रस्ते वल मुड़े गुरु की शरण विच मुड़े तो गुरु पातशाह ने अगे वध के उन्हां नू अपनी गोद विच बिठा लिया, वह सारे दे सारे संसार का पाव सागर पार कर गए। तो इस करके उस परमेश्वर दे द्वारे ते गुरु दे द्वारे ते देर इज़ होप फॉर एवरी वन, सारिया वास्ते आस है। कोई बंदा कितना भी दुष्ट कितना भी अपराधी गुनागार गुरु की शरण में आ जाएगा तो उहदा पार उतारा होएगा। सो सारे ही पद्धी विचार सरल विचार है अंग्रेजी विच, ऑल हर्ट्स आर हिज, ही इज़ द क्रिएटर फॉर एवर एंड एवर, आई बो टू हिम इन रेवरेंस, praise God day and night, meditate on Him with every breath and morsel of food, everything happens as He wills, as He wills so people become, He Himself is the play and He Himself is the actor, who else can speak or deliberate upon this, He Himself gives His name to those upon whom He bestows His mercy, very fortunate O Nanak are those people. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji.